डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। कंकरखेड़ा में कैलाश अस्पताल के पास हाईकोर्ट के आदेश पर एक भूखंड पर कब्जा दिलाने पहुंची पुलिस को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने जबरदस्त पथराव कर पुलिस को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। सूचना पाकर पहुंची भारी पुलिस फोर्स ने लाठी भांजते हुए प्रदर्शनकारी ग्रामीणों को दौड़ा दिया। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं बाकी की तलाश की जा रही है। पुलिस व प्रशासन की टीम ने डॉक्टर को भूखंड पर कब्जा दिला दिया है। दरअसल नगलाताशी गांव में कब्रिस्तान के पास MDA की हजारों वर्ग जमीन है। इसमें से 1191 मीटर का भूखंड 2 साल पहले सरधना रोड निवासी डॉक्टर सागर तोमर ने खरीद लिया था। यहाँ उन्हें लक्ष्य अस्पताल बनाना है। इस खाली जगह पर कई लोगों ने कब्जा कर लिया है। इसे लेकर हाईकोर्ट का दोनों पक्षों द्वारा दरवाजा खटखटाया गया। हाईकोर्ट ने डॉक्टर सागर तोमर के पक्ष में फैसला देते हुए पुलिस से उन्हें कब्जा दिलाने के आदेश दिए थे। इसके चलते ही पुलिस सोमवार को वहां पहुंची थी। देखिए, मुझे प्रशासन इतना अच्छा लगता नहीं। फौजी होता ना बोलो, नाश कर देता। भाई ये हथियार ले रहे, फिर भी ईंट बरसा रहे, बाल को वाले काम कर रहे हैं। देख लो भाई, तुम ये फिर उल्टे भाग गएंगे। देखो अब की बार भाई ये उल्टे नहीं भाग रहे, अब की बार यहीं तक खड़े को कर रहे। पीछे था फोर्स, देख लो तुम कुकर बालक किधर आ रही, चल चल गया। तमाशा कर रहे भाई, नूनी गोली मार दे। भाई देख लो लोंडा कितनी आगे तक आ रहा, वो लोंडा ईंट मारने कितनी आगे तक आ रहा, देख लो भाई। और पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, पूरी फोर्स है, हथियार लैस फिर भी इनको कुछ नहीं हो रहा भाई। हथियार लैस पूरी फौज है, फिर भी इनका कुछ नहीं हो रहा, देख लो तुम। प्रशासन का नाम डुबा रहे, हथियार ले रहे, इतनी बड़ी बड़ी बंदूक फायरिंग पहुंचती नहीं। इस बारे में SP सिटी पीयूष सिंह ने फर्स्ट बाइट टीवी को यह जानकारी दी। ये कल थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में MDA के लगभग 1190 वर्ग मीटर जमीन, जिस पर कब्रिस्तान बना हुआ था, पैमाइश कराकर चिन्हित करके इसको MDA के पोजीशन में लिया गया था। इस कार्यवाही के दौरान कतिपय व्यक्तियों के द्वारा वहां पर हंगामा करने का प्रयास किया गया, जिन पर तत्काल मौजूद पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए वहां से हटा दिया गया था। इस संबंध में थाना कंकरखेड़ा पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और कतिपय अज्ञात व्यक्तियों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।